तेरे बिन सानू सुनिया कोई हो नहीं ओ लभना जो देवे रूह नू सुकून चुके जो नखरा मेरा वे मैं सारे गम के वेखिया अमरीका रूस मलेशिया हाय किथे नी कोई फर्क सी हर किसे दी कोई शर्त सी कोई मंगदा मेरा सी समा कोई हुंदा सूरत ते फिदा कोई मंगदा मेरी सी वफा कोई मंगदा मेरी आवला तेरे बिन होर ना किसे मंगनी मेरी आवला जैन से पूछो चप्पल आज पहने हैं मैंने अभी उतार के वैसे पहन लूंगी दोबारा बूट्स क्योंकि मेरे ना पाँव में सख्त बहुत ही सख्त एक दर्द सी शुरू हुई थी तो वो मैंने कहा जरा मैं कंफर्टेबल रहूँ और वो रहूँ मौसम बहुत अच्छा है हवा बहुत ठंडी और अच्छी है तो आज मैं आज कल ना वो भी नया चैनल भी शुरू हुआ है ग्रीन एंटरटेनमेंट उसके भी मैंने एक दो ड्रामे देखे थोड़े से उन कहीं कहीं मुझे उन ड्रामों से ना वो वाइब आ रही थी जो पीटीवी के पुराने ड्रामे होते थे मज़ा आया काबली पलाव उसका बहुत अच्छा था दौड़ देखा वो अच्छा था एक दो और भी अच्छे थे और कुछ कुछ ज़्यादा ही क्लासिक थे तो मैं बिल्कुल नहीं वो देख सकी पता मैं सोचती हूँ कि मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं हम सब लोगों में हैं लेकिन हम बास टाइम भूल जाते हैं या पता नहीं क्या हो जाता है कि हमें इन्जॉयमेंट लगती है बेजुबान जानवर को तंग करना उसे टीज़ करना हमें नहीं मैं अपने आप को तो बिल्कुल नहीं कह रही लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को तो कल हम लोग जो जैन और मरियम की छोटी डॉग है ना मौली उसके साथ हम लोग कहीं गए खाना खाने के लिए तो मौली हमारे साथ थी और पहले हम रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा रहे थे कि ऐसा ना हो डॉग्स अलाउड ना हो और वो मना करें लेकिन फिर खैर उसने कहा कि नहीं नहीं ले आओ उसको अपने साथ रखो हम लोग कॉर्नर वाले टेबल पे मौली को लेके बैठ गए तो फिर हमें कुछ उधर सर्दी लगी या कुछ हुआ एसीज उनके बहुत तेज़ थे तो हम लोग बाहर बैठ के हमने कहा मौली भी जरा घूम फिर लेगी और हम उधर बैठे हुए थे तो अंदर से वो लोग डॉग ट्रीट्स ला के बार बार वो दे रहे हैं उसको मौली को कभी वो उसको मतलब डॉग फ्रेंडली जो डॉग्स को अलाउड होता है वो फूड दे रहे थे तो ये भी नेकी होती है मैं जो बहुत देख रही थी ना एक दो लोगों को जैसे मैं अनिया को और अली हमज़ा को देखती हूँ वो सड़क पे जाते हुए जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको भी वो संभालते हैं उनको वो खाना खिलाते हैं उनकी टिक्स निकालते हैं उनका ख्याल रखते हैं तो ये बात कुछ लंबी हो गई है लेकिन कहना ये था कि आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई इस तरह के जानवर भी या इंसान है जिनको ज़रूरत है तो उनके काम ज़रूर आना चाहिए इंसान तो बोल के अपनी ज़रूरत बता सकते हैं लेकिन जानवर नहीं बता सकते वो बेजुबान होते हैं और बेगुनाह तो होते ही हैं बेचारे बचपन से ना एक चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती थी वो पता क्या ये मशरूम्स कितने छोटे छोटे क्यूट मशरूम्स सारे छोटे छोटे अस्सलामुअलैकुम मैं जो हूँ ना कुछ रीजंस की वजह से मुझे आए हुए तो एक महीना हो गया यहाँ पर लेकिन मैं अपनी अलमारी आज सेट कर रही हूँ आज सुबह है और बहुत प्यारी सुबह है और मैं अपनी वीडियो का आगाज़ और स्टार्ट इधर से करूँगी इस जगह से तो कुछ ऐसे आए हुए तो मुझे महीना हो गया एक ऑलमोस्ट तो मगर मैंने ना कुछ रीजंस की वजह से मैं अभी तक अपनी वार्डरोब वगैरह सेट नहीं कर सकी थी कुछ मेरा लगेज इधर उधर पड़ा हुआ था कुछ और रीजंस थे तो आज मैं फाइनली अपनी अलमारी सेट कर रही हूँ और कुछ मैंने कर लिया है और उसके बाद मुझे अचानक ख्याल आया कि मैंने तो बताना था मैं तो कि मैं क्या क्या कैसे कैसे सेट कर रही हूँ तो मैं दिखाती हूँ मैंने बस अभी तक तो
अभी तक तो मैंने खोल के अपनी वॉक इन क्लोजेट में अपने कपड़े जो हैं वो रखे हैं, अपने बैग्स रखे हैं, जूते खोल रही हूँ, और ये वाली वो शॉपिंग जो आप लोगों को याद होगी मैं दिखाती रही हूँ आप लोगों को, ये है कुछ चीज़ें जो मैंने ली हैं मैं आप लोगों को दिखाती रही हूँ साथ साथ। ये मैंने शायद नहीं दिखाई थी, ये मैंने H&M से ली थी शर्ट, ये भी मैं आपको एक दिन पूरी सारी दिखाऊंगी। अभी तो मेरे ख़ुद के लिए भी ये सारी चीज़ें नहीं हैं क्योंकि मैंने इतने दिन से ले रही थी मगर मैं मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं भूलती जा रही थी, बस डंप कर रही थी और कपड़े कहीं पड़े होते थे, कुछ जैन के घर, कुछ खदीजा के घर, कुछ नादिया की तरफ। अब मैंने सारे इकट्ठे करके फाइनली आज अपनी कबर्ड सेट कर रही हूँ। और ये भी मैंने एक शर्ट ली थी, ये ज़ारा से ली थी, काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी, तो ये मैं अच्छा अब मैं सारी सेट करके फिर आपसे बात करती हूँ वरना फिर मेरा काम बीच में ही रुक जाएगा। अच्छा जी, तो ये इसलिए भी ज़रूरी था कि मुझे ना कुछ चीज़ें अपनी वापस करनी थी, कुछ एक्सचेंज करनी थी, कुछ के साइज़ का प्रॉब्लम था, वो सारा अभी मैं देख के इंशाल्लाह करती जाऊँगी। और कुछ चीज़ों का मुझे अब क्योंकि नहीं रखी हुई थी तो याद ही नहीं था कि मैं लाई भी हूँ या नहीं लाई हूँ, तो वो सारी होपफुली ऑर्गेनाइज हो जाएंगी अभी। जैसे आजकल ना लग रहा है जैसे मैं सामान बहुत ज़्यादा अपना लेकर आई हूँ, लेकिन डजंट मैटर, यूज़ भी कर ही रही हूँ, लेकिन रश बहुत मैंने मचा दिया है उनके घरों में ना, तो इसी वजह से मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ मेरी क्या चीज़ पड़ी। अभी लटका दूँ उसको, ये बेल्ट से है ना ख़राब हो रही है, ऐसा फोल्ड हो रही है, तो मैं इनको इसलिए लटका रही हूँ अब ताकि ये आसानी से मुझे मिलती भी रहे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो सब लोग पूछ रहे थे ना कुकिंग की और ये वो भी मैं इंशाल्लाह अब मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे काफ़ी दिन से मैंने कोई कुकिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया क्योंकि सब काफ़ी सारे गेस्ट और ईद का सब वो चल रहा था, तो हम लोगों को या कहीं जा रहे होते थे या कोई आ रहा होता था, तो इसी तरह से टाइम गुजरता चला जा रहा था। और सब लोग जो कह रहे हैं कि मुझे घर नहीं याद आ रहा और ये वो, ये भी मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है, तो जाहिर है मेरा भी घर है, घर तो अपना याद आता ही है, बहुत याद आ रहा है और चले भी जाना है, कोई हमेशा के लिए तो नहीं। अच्छा, बहुत लोगों का ये मुझे बहुत मैसेजेस और वो आ रहे हैं कि आप हमेशा के लिए चली गई हैं, आपने उधर ही रहना है, तो मेरी कोई ऐसी अभी तक तो कोई इंटेंशन नहीं है। अल्लाह मियाँ सेहत तंदरुस्ती दे, बच्चे भी सेटल हैं और हो रहे हैं और साथ साथ हम भी अपना कुछ ना कुछ करते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये वाला ट्रैक सूट उस दिन मैंने पहना था और सब बहुत पूछ रहे थे, ये ट्रैक सूट सीके का है और ये मेरी फ्रेंड जो है गुड़िया वो मेरे लिए लेकर आई थी, तो ये उसका है, मतलब गुड़िया का नहीं है लेकिन उससे मुझे गिफ्ट किया था। ये किसका है? हाँ, सीके का ही है। साथ साथ मैंने अपने आईपैड पे अपना ड्रामा लगाया हुआ है, पहले मैं अपने डेली ब्लॉग्स जिन जिन के देखती हूँ उनके मैं देख रही थी। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ अंजुम का, मामा जोर का, फिर निघत का, अनिया का, अली हमज़ा का, इन सब के ब्लॉग्स में देखती हूँ सबसे पहले और ये ऑटोमेटिकली मेरी उसमें न्यूज़ फीड में आ जाते हैं। अच्छा, मैंने सेट कर ली है, अब ऑल सेट, अब मुझे कुछ पता चल गया कि क्या चीज़ें मैंने रिटर्न करनी है। और आबिद मुझे पहले दिन से कह रहे थे कि वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा मेरे पास होते ही एक्चुअली वाइट और ब्लैक कपड़े, अब वो गिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 है, तो शायद मैं इसमें से कुछ रिटर्न करूँ जाके, करूँ आबिद, तो ये करूँगी शायद, मतलब अलग कर लिया मैंने कुछ कपड़े जो जाके मैं एक्सचेंज कर लूँ क्योंकि फिर कभी मेरा दिल चाहता है कोई कलर वगैरह पहनूँ या कुछ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता तो अच्छा, ये मैंने पता नहीं दिखाया था या नहीं कि ये भी मैंने ड्रेस लिया था,
ज़ारा से, ये भी इधर पड़ा हुआ है। तो एंड में ना मेरे दो तीन ही हैं ब्रांड्स यहाँ से जाके मैं उठा के फिर चीज़ ले आती हूँ। खैर फाइनली मेरा एक बहुत बड़ा काम ख़त्म हुआ और अब ठीक है। मोनी हेलो बोलो। हेलो बोल दो। हेलो मोनी, हमारे साथ जा रही है ड्राइव पर। मोनी जो है ना एक अदद मेरा छोटा सा प्रेशर इंसान है। मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही थी जो है डियर्स जो होते हैं हिरन जो फिर हैं, अब जैसे कोई मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। बोलिए कहाँ क्या गैराज कैसे बंद हो गया? कैसे देख रही है क्या हो रहा है दुनिया में? जिन्होंने कहा था ना ये गाना सुने बहुत अच्छा है, मैं वाकई सुने बहुत अच्छा है गाना। बहुत अच्छा है। एक और दिन शिकागो में ख़त्म हुआ। मेरी फ्रेंड आई हुई थी साइमा, उससे काफ़ी हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे, मिलने की कोशिश करते रहे लेकिन नहीं मिल सके। तो अब कल दो तीन दिन से ना मैं बाज़ार नहीं गई हुई थी, मुझे कुछ एक दो चीज़ें एक्सचेंज करनी थी और कुछ वापस करना था, वो इंशाल्लाह करूँगी और देखें कल क्या होता है। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी और व्लॉग में मुलाकात होती है। एक ही मैंने आप लोगों के लिए वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड की है, क्लिप है एक। ये 60 फ्लोर की बिल्डिंग है और इसमें ये क्लीनिंग हो रही थी विंडोज़ की, जो कि वैसे तो सफाई नफ्स ईमान है हम लोगों का, साफ़ सुथरा रहना अच्छा भी लगता है और हमारे दीन में भी है। लेकिन इन लोगों को मैंने देखा है प्रैक्टिकली ये कितनी सफाई कर रहे होते हैं सर्दी गर्मी हो। ये देखें कितनी ऊंची बिल्डिंग है, तकरीबन 60 फ्लोर्स हैं और इसकी सफाई हो रही है। पता नहीं यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ से मैं वीडियोस बना रही हूँ और जहाँ से वक्त मिलता है मैं बनाती जाती हूँ, और जब आप लोग को ये वीडियोस मिलेंगी तब तक पता नहीं क्या गुच्छा बना होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो लोग पसंद करते हैं मेरा चैनल, जो मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर फैमिली है, उनके वो तो बर्दाश्त कर लेंगे। पता क्या आज अभी मैं सुबह कहीं और हो रही है, शाम कहीं और हो रही है, कुछ हैपहैज़र्ड चल रहा है, लेकिन बीच में एक रूटीन बहुत अच्छी भी है कि हम सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। इस वक्त सबकी अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो वर्क फ्रॉम होम है वो वर्क फ्रॉम होम है, जो ऑफ़िस जा रहे हैं वो ऑफ़िस जा रहे हैं। बीच में से इस टाइम पे खदीजा और आबिद और मैं वर्क फ्रॉम होम है। मेरा तो कहीं भी काम शुरू हो जाता है, कहीं से भी मैं अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन हमज़ा और जैन इनका है ऑफ़िस, तो सब लोग इधर उधर गए। और जो कुछ अनकही ड्रामा का एंड हो गया, बहुत अरसे बाद मुझे कोई ड्रामा इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा। एक एक आई विश इस तरह के बहुत सारे और ड्रामे बने। जिन लोगों को बहुत शौक है बहुत मुश्किल ड्रामे बनाने का, उनका भी शौक थोड़ा सा पूरा होता रहे, उनके अपने ऑडियंस हैं। लेकिन मुझे लाइट ड्रामे जिसमें बहुत सारे फैमिली रिलेशनशिप्स हों, बॉन्डिंग्स हों, वो सब बहुत अच्छा लगता है देखना। मुझे क्या बहुत सारे और लोगों को भी अच्छा लगता है। उसके अलावा मेरा बहुत फेवरेट जो आजकल वो बेबी बाजी है, जो कि मैं देखती हूँ। मुझे नहीं पता था, कभी भी नहीं मुझे पता था कि मुझे जवेरिया जो जवेरिया सऊद है वो इतनी पसंद आएगी, लेकिन मुझे जो उसकी स्पॉन्टेनियस एक्टिंग है वो बहुत अच्छी लग रही है। वो बिल्कुल मेरी एक फ्रेंड है, उस जैसी उसकी तरह बोल रही है। अब मैं उसका नाम नहीं लूँगी वरना वो मुझे कतल ही ना कर दे कहीं, लेकिन सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। सिर्फ एक चीज़ मुझे फील होती है कि अगर बहनें अपने भाइयों से अपना हक मांगें या अपने पेरेंट्स से हक मांगें तो उसको नेगेटिव नहीं दिखाना चाहिए। हर रिलीजन में, सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर रिलीजन में बेटियों का बहुत ज़्यादा हक है, बहुत ज़्यादा। इवन भाइयों पे भी, फादर्स पे तो है ही, हस्बैंड्स पे, हर रिलेशनशिप में बेटियों का बहुत हक है। वीडियो में ना आबिद की शिकायत से स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे कह रहे थे रोज़ यहीं पर वीडियोस बनाती हूँ तो मत बनाओ, तो फिर मैं क्या बनाऊँ? जहाँ मैं फिरती हूँ मैंने वही बनानी है।
प्राइमार्क के चप्पल ना लिए थे मेरी बहन ने, बहुत ही अच्छे और कंफर्टेबल थे। तो वो अब हम लोगों ने ना घर के अंदर सोचा है, फैसला किया कि वही पहन के फिरेंगे और वही हम लेने आए। वो मैं आप लोगों के उसको दिखाऊंगी। अब यही होता है कि यहाँ पे घूमते हुए, क्योंकि सिर्फ चलना होता है या यूजली हमें बच्चे छोड़ के यहाँ चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग वॉक वगैरह करके और एक दो बच्चों के घर करीब करीब हैं तो किसी ना किसी के घर चले जाते हैं और फिर खाना वाना खा के सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, चाय पियेंगे, कुछ रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्पर्स हो जाएंगे। आज के लिए वॉक काफ़ी हो गई है हम लोगों की। ये वही जगह है सारी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे बल के पीछे पीछे अगर देख लें तो। ये सारी जगह है एप्पल स्टोर, एप्पल स्टोर्स जो है ना जहाँ पर भी दुनिया में है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है उनको देखना। बहुत अच्छे खास तरीके से बने हुए होते हैं, पूरे ग्लास के होते हैं, यूजुअली कहीं ना कहीं उनके पानी फ्लो कर रहा होता है या उन्होंने रिवर साइड पे बनाए हुए हैं या उन्होंने खुद से स्ट्रीम्स वगैरह क्रिएट की होती हैं। और वो सामने मेरे बाकी सब जा रहे हैं, वो सब लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, जो बच्चों से मिलने का है ना, मिल तो मैं रोज़ ही रही होती हूँ लेकिन उनके काम इतने ज़्यादा हैं, वो बिज़ी होते हैं, जब तक वो रात को घर वापस आते हैं वो बहुत थक चुके होते हैं। तो इसलिए अभी दो दिन से मैंने उनके साथ कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। अब मैंने वीकेंड पे इंशाल्लाह या किसी टाइम मैं मिलूँगी बच्चों से तो कुछ कुकिंग वगैरह एक साथ करेंगे या जो भी करेंगे, बातें बातें करते हुए कुछ काम करेंगे और आपकी सबसे मुलाकात भी करवाऊँगी। शाम हो गई है, बहुत खूबसूरत सारा व्यू लग रहा है। ये रिवर के साथ साथ हम लोग चलते हुए आ रहे हैं, मिशिगन सॉरी जो रिवर सेंटर में लेक है लेकिन उस तरह से उन्होंने उसको बीच में आप से आ रही है जैसे रिवर हो गई और उसी में बोटिंग वगैरह जो अक्सर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जब रिवर साइड पे बैठती हूँ। तो स्किन केयर मैंने अभी तक कुछ खास नहीं ली, कुछ भी नहीं ली। इनफैक्ट जो मेरे पास चीज़ें थी मैं चाह रही हूँ कि वो मेरी सब ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से, फिर मैं कुछ नया लूँ। तो यही करूँगी कि पहले सारा क्योंकि वो संभालना भी मुश्किल हो जाता है और मैं अपनी सारा मेकअप और स्किन केयर वगैरह उठा कर ही लेकर आई थी साथ, ताकि मैं ये ख़त्म हो जाए तो फिर मैं नया लूँ। पाकिस्तान में मैं कुछ भी नहीं अभी वो छोड़ कर आई हुई, सब कुछ ही साथ ले आई हूँ। तो जहाँ पर मैं और मरियम दोनों ज़्यादातर साथ होते हैं तो हम दोनों एक ही मेकअप वो भी मेरा यूज़ कर रही होती है ताकि ख़त्म हो जाए वो, तो फिर नया ले सकें। मैंने ना दोनों जो मेरे बच्चे हैं उनके जो भी यहाँ पे हैं बच्चे और बाकी फैमिली मेरी बहन के बच्चे सबकी घरों की चाबियाँ वगैरह मैंने रखी हुई हैं, कीज मेरे पास ही होती हैं और सबके पास ही होती हैं ताकि अगर कोई भी कहीं से घूमता घुमाता कहीं ड्रॉप लेता है तो घर खुला हुआ हो, वरना फिर अब तो इनके ये भी सिस्टम है कि ये फ़ोन पर ही कुछ कोड्स वगैरह डालते हैं और घर का लॉक खुल जाता है। तो अगर आपके पास फ़ोन है तो उनको आप कॉल करके बता सकते हैं और वो फिर वो खोल देते हैं घर। मुझे ना बिल्कुल भूल गया, किसी ने मुझसे कुछ पूछा था जो मैंने कहा था कि आज की वीडियो में मैं रिप्लाई करूँगी, तो मैं भूल गई हूँ। प्लीज़ मुझे दोबारा क्वेश्चन दोबारा कमेंट कर दें क्योंकि कमेंट्स के साथ कुछ अजीब ही मामला होता है, बास टाइम डिसअपेयर हो जाते हैं बास टाइम अपेयर हो जाते हैं। तो वो मुझे ना मैंने पूरा अपनी वीडियो का कमेंट्स पढ़े, मुझे वो क्वेश्चन नहीं याद आ रहा जो मैंने कहा था आज मैं बताऊँगी, मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। तो वो काइंडली मुझसे दोबारा पूछ लें और मैं फिर पढ़ने के साथ उसी हुलिये में उसी वक्त रिकॉर्ड कर दूँगी ताकि वो याद रहे। आई एम सॉरी। और ना किसे मंगनी मेरी या भला